हेलो एवरीवन, आज है 12 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी के बारे में। देखिए, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली बहुत ही बड़ी और दिग्गज कंपनी है ये, लेकिन हाल फिलहाल में आज इसकी जो हालत हुई है वो वाकई में काफी बुरी है। शेयर 25% तक टूट गया आज, 25% तक शेयर टूट गया है। तकरीबन जो उसका प्रीवियस क्लोज था वो 90 रुपए के करीब था, ओपन गिरावट के साथ हुआ था, 85 रुपीज पर ओपन हुआ था और वही उसका पूरे दिन का हाई भी था। उसके बाद ये कंटिन्यूअस नीचे गिरता गया, इवन 66 रुपीज तक ये शेयर टूट गया था, लेकिन बाद में एंड ऑफ द डे 67 रुपीज के आसपास क्लोज हुआ है। अब देखिए, 25% की गिरावट लेकर बैठा है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का वेल नोन शेयर, जो वाकई में काफी बड़ा शेयर है। ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी, हम इसको कह सकते हैं मदरसन सुमी सिस्टम को। तो शुरू में हम बात करेंगे कि आखिर गिरावट की वजह क्या है और इसमें हाल फिलहाल में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि शेयर 67 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और आज एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। और ऐसा नहीं है कि शेयर आज ही गिरा है, ये पिछले काफी वक्त से गिरता आ रहा है। अब देखिए, पिछले 1 महीने में ये आधा हो चुका है शेयर, 46 से 47% तक टूटा है। 127 रुपए तक का हाई था, 127 रुपीज, और आज आप देखिए कंटिन्यूअस शेयर टूट रहा है, कंटिन्यूअस गिरावट आ रही है। पिछले 1 साल की बात करेंगे तो पिछले 1 साल में हालांकि बीच में एक बढ़िया तेजी भी जरूर आई थी शेयर की, अगर हम बात करने जाए तो 95 रुपीज से ऊपर ये पहुंच चुका था, लेकिन बाद में बढ़िया शेयर ने बाउंस बैक किया, तकरीबन 150 रुपए तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट है, 1 साल का सबसे बड़ा लो ये बना चुका है। पिछले 3 साल की बात करेंगे तो पिछले 3 साल का भी सबसे बड़ा लो इसने बनाया है। 3 साल में भी ये शेयर आज तक 68 रुपीज तक नहीं आया था, लेकिन अब ये उस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और 260 रुपए तक का हाई भी था पिछले 10 साल की अगर हम बात करेंगे तो। मदरसन सुमी में पिछले 10 साल में हालांकि 264% का ग्रोथ जरूर है। आप देखिए, अगर हम बात करने जाए 67 68 रुपीज की, तो आज से ये शेयर इस प्राइस के ऊपर तकरीबन 2014 में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद बढ़िया तेजी आई, लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट आ गई, लेकिन बाद में फिर से शेयर ने बाउंस बैक किया और अब वापस से गिरावट आई है। बाद में फिर से बाउंस बैक किया और अब बहुत बड़ी गिरावट की तरफ जा रहा है। और उसका रीजन ये है कि मार्केट में जो हालत है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की, वो वैसे भी कुछ खास चल नहीं रही है और कोरोना ने एक और यहाँ पर झटका दे दिया है सारे सेक्टर को। ऐसा नहीं किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर ही डाउन है, सभी सेक्टर का यही हाल है, सभी सेक्टर में एक पैनिक फैला हुआ है कि अगर ये और ज्यादा स्प्रेड होता है तो इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धक्का इससे लग सकता है। अब देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है, 21,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर आज देखे जाएंगे तो तकरीबन 7 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला था। दिसंबर क्वार्टर की बात करेंगे तो कुछ अच्छे नहीं थे, बहुत ही बुरे मैं इसको मानूंगा। रीजन ये है कि नेट सेल्स तो देखिए इसके ऑलमोस्ट उतने ही थे पिछले क्वार्टर जितने, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करें तो डेफिनेटली गिरावट है। पिछले साल इसके जो नेट सेल्स थे वो 16,480 करोड़ के आसपास के थे और पिछले क्वार्टर में ये 15,920 करोड़ के आसपास रहे। इस बार ये 15,660 करोड़ के आसपास है, मतलब 1.65% की गिरावट है पिछले क्वार्टर के कंपेयर में। लेकिन पिछले अगर नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 270 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले तकरीबन 30% डाउन है और पिछले साल से भी उतना ही रही है, क्योंकि ये अभी 270 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट हुआ है दिसंबर क्वार्टर का, जबकि सितंबर में ये 385 करोड़ था और दिसंबर क्वार्टर में मतलब पिछले साल ये 390 करोड़ के आसपास हुआ करता था। प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिली है और वो भी अच्छा संकेत यहाँ पर नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग 33.96% है, एफआईएस के पास 16.38% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 10.02% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.70% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 9.32% जितनी होल्डिंग देखने को मिली है। प्रमोटर के द्वारा थोड़ी बहुत शेयर्स गिरवी भी है, तकरीबन 17% जितनी होल्डिंग प्रमोटर के द्वारा गिरवी है। 24 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 486 एफआईएस ने यहाँ पर पैसा लगाया है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.09% है। डिविडेंड डेफिनेटली पे कर रहा है, 150% जितना डिविडेंड ये पे कर रहा है मदरसन सुमी, और वाकई में इन्होंने अगर डिविडेंड की भी अगर हम बात करें तो आज ही इन्होंने डिविडेंड पे किया है, 12 मार्च 2020 को डिविडेंड मदरसन सुमी ने पे किया हुआ है।
मदरसन सोमी की बात करेंगे, देखिए अगर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल देखेंगे तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी उतनी अच्छी नहीं यहाँ पर दिखा रही है। पीई 29.65 है और इंडस्ट्री पी 37.16 के करीब है। बुक वैल्यू 20 के आसपास है। डिविडेंड 150% का पे कर रहा है। ईपीएस 2.29 है। प्राइस टू बुक 3.34 के करीब है। डिलीवरी की बात करेंगे तो 23.47 है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग खरीदारी के लिए कह रहे हैं, 29% लोग इसमें बेचने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर अगर हम इसके बात करेंगे बैलेंस शीट की तो कर्जा इनके ऊपर तकरीबन 1133 करोड़ के आसपास का कर्जा है और कर्जा उतना बड़ा मैं इसको नहीं मानूंगा क्योंकि कंपनी हर क्वार्टर में अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हाल फिलहाल में ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है और जो थोड़ा बहुत ये जो वापस से रिबाउंड कर रहा था उसको कोरोना ने वापस से एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। और ऐसा नहीं है कि मदरसन सोमी में ही गिरावट है। एक आप अगर देखेंगे तो टाटा मोटर्स भी देखिए 88 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। आज से पहले ये शेयर इस प्राइस के ऊपर कभी नहीं था। पिछले 10 साल की भी अगर हम बात करें तो 10 साल का भी अब तक का सबसे बड़ा लो 88 रुपीज है जो अभी बना है। तकरीबन 11 साल का सबसे बड़ा लो बना चुका है टाटा मोटर्स और ये आपको बता दें कि 600 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर चुका है। काफी बुरी गिरावट देखने को मिली पिछले एक महीने में, तो इसमें कमर ही टूट गई, आधा हो चुका है। ये शेयर 170 रुपए के आसपास था, अब सीधा आप देख सकते हैं कि 85 से 90 रुपए के ऊपर आ चुका है। तो बहुत बड़ी गिरावट टाटा मोटर्स में भी देखने को मिली है। मारुति सुजुकी की अगर हम बात करें तो काफी रेप्यूटेड कंपनी है, देखिए 5,640 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है अभी। पिछले एक महीने में इसमें भी एक भारी गिरावट है, 20% तक टूटा है। और देखिए 20% यहाँ पर होता है कि 7,000 रुपए से टूट कर ये शेयर 5,640 रुपए तक पहुंच चुका है। तो एक बहुत बड़ी गिरावट भी हम यहाँ पर कह सकते हैं मारुति सुजुकी में भी देखने को मिली पिछले एक महीने में। और ऐसे ही गिरावट एक और दिग्गज शेयर है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये शेयर भी देखिए 423 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में ये शेयर भी 20% तक टूट चुका है, 533 रुपए से गिरता हुआ ये शेयर नीचे आया है। तो देखिए गिरावट ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिली है और कोरोना की वजह से एक बहुत बड़ी इसको चोट भी लगी है। और ऐसा नहीं है कि शेयर मतलब ये जो कंपनीज है ये रिवाइव नहीं होगी, शेयर रिवाइव नहीं होगा। डेफिनेटली एक दिग्गज कंपनियां है ये, आने वाले दिनों में रिवाइव जरूर होगी, लेकिन हम ये नहीं मान चल सकते कि ये इनका एंड, ये नहीं मान सकते कि इसका बॉटम अभी बन चुका है। जी नहीं, अभी ये शेयर और भी गिर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखें, लेकिन खरीदारी के लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। देखिए अच्छे शेयर्स हैं ये लोग, ये शेयर वापस से डेफिनेटली अच्छा खासा प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाएंगे आपको, लेकिन अभी वेट करने का वक्त है। और डेफिनेटली ये शेयर जैसे ही चीजें सामान्य होगी ये शेयर आपको एक अच्छे प्राइस के ऊपर ट्रेड होते हुए दिखने शुरू हो जाएंगे। मदरसन सुमी बहुत ही बढ़िया शेयर है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसमें खरीदारी के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि वेट करें, देखें और उसके बाद अगर आपको मौका लगे तब खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, चीजों को सामान्य होने दीजिए पहले। तो मदरसन सुमी के बारे में और हाल फिलहाल में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो गिरावट चल रही उसके बारे में आपका क्या सोचना है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।